तो भाई पिछली वाली वीडियो में अपना बहुत बढ़िया वाला कटा था। तो यार इस वीडियो में देखा है क्या सीन है। कैंप पे हमारे दो मिशन है अभी। तो भाई यार कोई मतलब अपना ऐसा बंदा है जिसके भाई को हमारे डच भैया ने मारा था, फिर उसने डच भैया की शायद से वाइफ थी पुरानी, मतलब कोई थी जिन्हें डच भैया सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, कोई ऐसी वुमैन। एक सेकेंड, चल भाई राशि। तो फिर उसने एक सेकंड। तो हाँ फिर यार उसने मार दिया था उसे, जो भी मतलब लव्ड वन थी डच भैया की। तो अब उसने हमें वापस से किसी काम के लिए बुलाया है। तो सबका ये कहना है डच भैया का और सारों का भी कि मतलब ये एक ट्रैप है, राशि भैया से कही है उस काम के लिए। तो डच भैया कहना है कि भैया एक ट्रैप है और हम फंस जाएंगे इसमें, लेकिन राशि भैया कहना है कि ये एक स्लिम चांस ही हो सकता है हमारा काफ़ी सारा पैसा कमाने का। तो भाई हम वहाँ पहुँच गए और अब हमें एक ऑब्जर्वेशन पोजीशन पे जाना है जहाँ से हम इन सब का ध्यान रखेंगे। एक सेकंड, ये थोड़ा सा ऊपर है ना, तो यहाँ से हम एक तरह स्नाइपर की तरह काम करने वाले हैं। अरे यार सेकंड, जैसी कुछ जैसी गड़बड़ हुई भाई साहब ठोक देंगे उन्हें बंदों को। ये है मेन बंदा। और बता कैसा है चूतिया इंसान? गाली का गुदिया बे। अच्छा सॉरी चूतिया, क्योंकि इंसान तो तू है नहीं। मैं इंसान है चूतिया नहीं। चल तू ये बता गांजा कहाँ है? गांजा तेरी गांड में? मेरी गांड में? अबे सुबह हगा हुआ यार, मैं सारा गांजा निकल गया, पहले बताना चाहिए था ना भोसड़ी के। ओ भाई एक सेकंड, इसकी माँ का अबे पेल रहा यार ये, मैं पूरी तरह से ये ओल्ड रिसल्स इनकी बहन का भगना पड़ेगा इससे। अब यार इन्हें बताऊँ क्या हुआ अभी, वो मतलब डच से जो है बात कर रहा था जोन सा भी, वो ओल्ड रिसल्स का आदमी है उनका नेता। एक सेकंड, तो वो आदमी जो है ना वो डच से बात कर रहा था अपने भाई के बारे में कि मतलब मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। डच भाई ने कहा भी कि सॉरी गलती होगी हमसे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहा मैं उसे पसंद नहीं करता था, कोई बात नहीं। लेकिन तो डच ने कही कि मैं उसे बहुत पसंद करता था जिसे तुमने मारा उसकी एवज में। तो भाई जब भी हम तो पस मतलब जैसे ध्यान रख रहे थे, तो भाई पीछे से दो तीन आदमी आए, अब भाई हमें टपका दिया नीचे। अब भाई अब ये सीन चल रहा, सेकंड यार मैं कुछ कर भी नहीं सकता, हिल भी सकता, क्या सीन है यार यो। भगने की भी कोशिश करी थी अपने मस्त से, तो हाँ पेल दिया इन्होंने, तो उन दोनों को ही पेल रखा होगा। डच का पता लगाना पड़ेगा कहाँ डच का उसका राशि का। भाई साहब डच ने मना कही थी यार कि गलत हो सका, लेकिन भाई राशि ने जबरदस्ती करी, इन्होंने कहा नहीं गलत कुछ नहीं होने का, वो तो बहुत टाइम पहले की बात है। लेकिन भाई उसने उस चीज़ का बदला लिया हमारे से। डच भाई ने उसे कुछ ऑफर दिया था किस चीज़ का, मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं किस चीज़ का था, लेकिन एक सेकंड उल्टा लटका रखा मैं। अब भाई ये तो बाजार अपने हम कुछ कह भी नहीं पा रहे इसका। तो इसने हमें पकड़ के ना डच के लिए कोई जाल वाल बिछाया जहां तक है कि मतलब वो हमें बचाने आवेगा और फिर ये सब उसे ही पकड़ लेंगे। सेकंड यार मैं सही बताऊँ कुछ भी नहीं कर पा रहा इसमें। यू कैन स्विंग ऑन चॉकलेट टू रीच द मेटल। अच्छा
अच्छा इधर है ना मेटल, तो भाई हमें क्या करना, भी स्विंग करना। पकड़ लिया मेटल का फाइल, लिया कोई मेटल का टुकड़ा है, इससे क्या होगा अपने पैरों में जो बांध रखा ना इन्होंने उसे काट सकें। सेकंड, अब हम इसे गर्म कर रहे हैं मेटल के फाइल, मेटल का मतलब कोई टुकड़ा है, इसे पता नहीं क्या करेंगे। ये पता नहीं, हमने शायद कुछ निकाला है अपने अंदर से, क्या करा है। अच्छा कारतूस निकाला है, एक सेकंड। तो शायद सब हम उस कारतूस का जो बाबू है ना, वो अपने अपने अंदर गए क्या, इसमें आग लगाने की सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों लेकिन कर रहे हैं ऐसा। एक सेकंड, तेरी माँ का साले, इसे पेलना सबसे पहले, साले छोटू तो नहीं। चल चलो, तीन थ्रोइंग नाइफ तो मिल गया हमें, हेल्थ वेल्थ कुछ भी नहीं अपने पे, खाने पीने का सामान भी भाई कुछ नहीं है, लेकर ना बस यहाँ से किसी तरह से। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ मेरे को ढंग से चमक भी नहीं रहा। एक सेकंड, यहाँ ब्राइटनेस बढ़ाने से कुछ फायदा तो होगा, लीव द एरिया ऑन एयर होस। पीछे की साइड में घोड़ा है, अभी यहाँ से ऊपर निकल के, एक सेकंड, ये रहा हथियार, चुन सकूँ क्या मैं? हाँ बस सही है, ठोक दिया ठोक दिया ठोक दिया, बस। एक सेकंड, ये ठाए घोड़ा और भाग लिए ऐसा। ओ भाई, अच्छा तो हमने इसलिए कहा था जिससे कि शायद से आवाज हो जाए कारतूस की और हम वहां से भाग पाए। 2 मिनट समझाओ यार, भाई साहब चमक भी नहीं रहा कुछ ढंग से। मैं बस जो इसमें रास्ता दिखाया ना मैप पे, उसी पे चले जा रहा हूँ, सामने से चमक रहा क्या है क्या नहीं। भाग नहीं, अब एकमात्र सॉल्यूशन है। एक सेकंड, यार गोली भी काफी पड़ गई, इसे पीछे छोड़ना पड़ेगा। तेरी माँ का हट साले, भागो 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 यार, हेल्थ नहीं बची बिल्कुल भी। सेकंड में जा कहाँ रहा हूँ समझ में। अबे घोड़े तेरी बहन की, एक सेकंड, उनसे तो बच गया मैं। यो घोड़ा मुझे लटका ले जा रहा है, एक सेकंड, ये तो जहाँ तक अपना ही घोड़ा है रोल्स रॉयस। अब मैं शायद से डच के पास जा रहा हूँ इस घोड़े पे बैठ कर, यो शायद से अपना बेस है। हाँ बेस है अपना, यहाँ इलाज विलाज हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये जहाँ तक है डच आंटी जी और वो है, अब वो हमारे पीछे पुलिस वाले लगाने वाला।
यार डच भैया काफ़ी परेशान हो गए थे हमारी वजह से कि हम कहाँ हैं, लेकिन हमने बता दिया कि हम आगे मतलब उनसे बच के पकड़ लिया था उन्होंने। तो भाई सबसे पहले तो अपना इलाज इलाज होएगा। ये भेड़िया में क्यों चमक रहा है, लोमड़ी है क्या है ये? फ्यू वीक्स लेटर। तो भाई कुछ हफ्ते हो गए इसे बात को हुए हुए, शायद सब हम ठीक हो गए। हाँ हो गए। तो भाई अपना डायरी लिखने का शौक था यार, एक लूट पार्टी कर लें मिशन, तो अगले वीडियो में करेंगे, एक छोटी मोटी लोबरी कर लें। चलो यार इससे बात करें, ये कोई टेवे टेवे वो है जिसे हम बाउंड टेंटों से बचा के लाए थे, इसका देखें क्या सीन है। ये पूछा तुमने कभी कोई स्टेज को चुराई है, तुमने कह दी ना हमने ना चुराई, आज लो यार। तो यार हमें इसके साथ में कोई स्टेज कोच वगैरह चुरानी है, तो चलो यार टेंशन क्या है, पैसा काफ़ी मिल जाए स्टेज कोचों से। हम पहुंच गए भाई वहाँ उस जगह पे, और भाई अपना घोड़ा बांध दें, जहाँ आने के लिए क्या है था पता नहीं क्या करना है यार। ये हम वहाँ जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, जहाँ हम लेटर ही पोस्ट करने आए थे। क्या पोस्ट ऑफिस में डाक कमाना है क्या? तो यार इसे कुछ देना, ये मतलब जो पोस्ट ऑफिस वाला है ना, ये इसका जानकार है। पैसे दिए हमने इसे पता नहीं क्यों, क्या पता लगाना है। तो यार हमने उस बंदे को पोस्ट ऑफिस में पैसे दिए थे पता नहीं क्यों, किस काम के लिए, हो किसी बंदे का पता लगाए थे, तो उसका नाम पता खोजने के लिए ना हमने उसे बंदे को पैसे दिए पोस्ट ऑफिस वाले को। अब उसके पास में जा रहे हैं जहाँ से हमें कोई स्टेज कोच वगैरह चुरानी है, इसमें उसका कुछ मतलब नाम पता है, ये डॉक्यूमेंट हमें वहाँ से मिला है उस बंदे से। जैसे बहुत जंग लगा देसी गट्टा है जब भी हमारे पैंथर भैया ने काटा था। तो भाई यहाँ पे इसने हमें एक पेज दिया है, उससे हम ताले वाले खोल सके आराम से। तो अब स्टेज कोच का इंतजार कर रहे हैं, इसके पीछे पीछे चलना भी हमें, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। कोच टू अवॉइड बीइंग स्पॉटेड। अच्छा कोच के पीछे रहना हमें। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जा, गलती होगी भाई साहब, गलती होगी, गलती होगी यार। मैं सर मैं तो बस ऐसे ही मजे मजे में घोड़ा चला रहा था, है तुम्हारी कोच बीच में आ गई तो मुझे क्या पता है, मैं तो जा रहा दूसरे रास्ते से जा रहा, मैं पहाड़ों पे चढ़ गया, मुझे क्या पता तुम यार गरीब आदमी को बच्चे को मारते हैं, इनकी माँ का भी पता मुझे साढ़ों को। एक सेकंड, योरी स्कोपली स्नाइपर, और ये है पंप एक्शन शॉटगन। ये हो गया, एक सेकंड इस पे एम नहीं हो रहा। अरे रुक जा यार, एक सेकंड, भागो 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 इसके पीछे भागो। तो मेरा साले शॉर्टकट सी आने लग रहा था पीछे, वो रहा सामने, तो हम जा रहे हैं, कट्टे की जरूरत पड़ेगी। यू कैन नॉट यूज वेपन ट्रबल इन रोड्स। अब तब कैसे लुटूंगा, सिग्निया चलो आ तो गया कट्टा। यो पेल दिया, बस हो गया काम, एक सेकंड हम भी गिर गए, लेकिन कोई ना, यो हो गया, इसकी बत्ती बन गई, बस ये काफ़ी है। बंदा आराम से ज़्यादा मजे में, एक सेकंड विटनेस है तो समझो, विटनेस बचना ही चाहिए। पेल दिया, विटनेस नहीं होना चाहिए कोई भी। यो तोड़ दिया ताला और मिल गया पैसा, तो उसे टाउनी टाउनी से मिलना। तो भैया फाइनली पहुंच गए टाउनी के पास, अब इसी के पास पहुंच के देखें कितना पैसा है। तो भैया 750 डॉलर मिले हमें, जिसमें से गैंग का शेयर भी दे दिया हमने अभी। तो भैया आज की वीडियो बस इतना ही, मजा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेगा अगली वीडियो में।